हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्लास 9 ज्योमेट्री लेसन नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री प्रैक्टिस सेट 1.1। सो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो में हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू। मीन्स यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए गए हमको, डिस्टेंस ऑफ पी आर दिया गया 7, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू दिया गया 10, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर दिया गया 3। इसमें से हमको ये बताना है कि कौन सा पॉइंट जो है अदर टू साइड के बिटवीन में आएगा, बीच में आएगा। इफ द पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर स्टेट सो। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, डिस्टेंस ऑफ पी आर दिया गया 7, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू दिया गया है 10, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर दिया गया 3, कि इसमें सबसे ग्रेटर कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा क्या है, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू दिया गया सबसे बड़ा, यहाँ पे लिखो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इक्वल टू 10, ये दिया गया है। रिमेनिंग 2 पॉइंट को देखना है, जैसे डिस्टेंस ऑफ पी आर, यहाँ पे लिखो डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। अब ये दोनों का टोटल करो तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ पी आर कितना है 7 प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर कितना है 3, ये दोनों का टोटल भी कितना आया 10। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, देखो ये 10 है, ये भी 10 है, इसका मीन्स क्या हो गया, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू कितना है 10, एंड डिस्टेंस ऑफ पी आर प्लस क्यू आर क्या हो जाएगा, ये दोनों का मिला करके 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कौन कौन सा पॉइंट है, पॉइंट पी क्यू आर है, यहाँ पे लिखोगे पॉइंट पी क्यू एंड आर आर कोलिनियर। देखो यहाँ पे ये कोलिनियर हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको समझते हैं कि ये इसमें कौन सी पॉइंट जो है सेंटर में आएगी, बीच में आएगी। तो सबसे पहले जो बड़ा वाला दिया गया है ना, बड़ा में क्या दिया गया, पी एंड क्यू, पी एंड क्यू कितना दिया गया हमको, देखोगे यहाँ पे पी एंड क्यू कितना दिया है 10 दिया गया। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, पी आर मीन्स पी से आर, ये आर जो आएगा यहाँ पे आ जाएगा, पी आर कितना दिया गया 7 एंड क्यू आर 3 दिया गया। तो यहाँ पे देखो क्यू आर या आर क्यू दोनों सेम होता है, तो यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, मीन्स इसमें आर पॉइंट जो है वो बीच में आएगा। यहाँ पे लिखोगे पॉइंट आर लाइज बिटवीन पॉइंट पी एंड पॉइंट क्यू, पॉइंट क्यू मीन्स पॉइंट आर जो है पॉइंट पी एंड क्यू के बीच। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सीक्वेंस क्या बनेगा हमारा, पी आर क्यू, और क्या बन सकता है, क्यू आर पी, मीन्स आर जो रहेगा वो सेंटर में रहेगा। सो दोस्तों, इसी तरीके से करना था। अब हम लोग सेकेंड करते हैं, यहाँ पे भी वैसे दिया गया, डिस्टेंस ऑफ आर एस दिया है 8, डिस्टेंस ऑफ एस टी दिया गया 6, डिस्टेंस ऑफ आर डी दिया गया है 4। इसमें से देखो 8, 6, 4 में कौन सा सबसे बड़ा है, डिस्टेंस ऑफ आर एस बड़ा है, तो यहाँ पे लिख लो डिस्टेंस ऑफ आर एस इक्वल टू 8। अभी जो रिमेनिंग पार्ट है उसको ऐड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ एस टी प्लस डिस्टेंस ऑफ आर टी। तो डिस्टेंस ऑफ एस टी कितना दिया गया, देखो एस टी है 6 प्लस ये कितना जाएगा 4, 6 प्लस 4 कितना होगा, 6 प्लस 4 हो जाएगा 10। अब यहाँ पे देखो 10 एंड 8 ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं इक्वल है, सो दैट हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ आर एस इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एस टी प्लस डिस्टेंस ऑफ आर टी, सो दैट हमारा आंसर क्या बनेगा, कौन कौन सा पॉइंट है, पॉइंट आर एस एंड टी आर नॉट
कोलिनियर, ये कोलिनियर है ही नहीं है, इसके वाल ये इसमें कोई भी पॉइंट सेंटर में नहीं आएगा। नाउ थर्ड करते हैं, यहाँ पे भी वैसे दिया गया, देखो डिस्टेंस ऑफ ए बी 16 दिया गया, डिस्टेंस ऑफ सी ए 9 दिया गया एंड डिस्टेंस ऑफ बी सी 7 दिया गया। तो सबसे बड़ा कौन सा, डिस्टेंस ऑफ ए बी, यहाँ पे लिख लो डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू 16, बाकी रिमेनिंग टू को प्लस करना है, तो डिस्टेंस ऑफ सी ए प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 9 प्लस 7 16। यहाँ पे देखो ये 16 है, ये भी 16 है, मीन्स ये जो होगा वो कोलिनियर होगा। यहाँ पे लिखोगे डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ सी ए प्लस डिस्टेंस ऑफ बी सी, ये इक्वल हो गया। सो दैट इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट्स, कौन कौन सा पॉइंट है, ए बी सी आर कोलिनियर। जब ये कोलिनियर होगा तो हमको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके इसको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा कहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले बड़ा वाला बना लो, ए बी, ए एंड बी, ए बी कितना दिया गया 16 दिया गया, उसके बाद सी ए 9 दिया गया, सी ए मीन्स यहाँ पे ए तो है, ये सी ए हो गया 9 और यहाँ पे बी सी भी हो जाएगा 7, मीन्स सी पॉइंट जो है वो बीच में आएगा। सो दैट यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट सी लाइज बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो हमारा आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, ए सी बी और बी सी ए, मतलब ये इस तरीके से आएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था, अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। क्या दिया गया देखिए फोर्थ क्वेश्चन में, डिस्टेंस ऑफ एल एम 11, डिस्टेंस ऑफ एम एन 12, डिस्टेंस ऑफ एन एल 8। सबसे बड़ा क्या है, एम एन बड़ा है, तो यहाँ पे लिखोगे डिस्टेंस ऑफ एम एन इक्वल टू 12, देन डिस्टेंस ऑफ एल एम प्लस डिस्टेंस ऑफ एन एल, दोनों को ऐड करना है। देखो एल एम और एन एल, ये कितना हो जाएगा 11 प्लस 8 कितना होता है 19 होता है। देखो यहाँ पे ये 19 है एंड यहाँ पे ये 12 है, दोनों इक्वल है नहीं है, सो दैट लिखोगे डिस्टेंस ऑफ एम एन इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एल एम प्लस डिस्टेंस ऑफ एन एल। जब ये नॉट इक्वल टू है तो इसमें कौन कौन सा पॉइंट है, एम एल एन है, यहाँ पे लिखोगे पॉइंट एम एन एंड एल आर नॉट कोलिनियर, ये कोलिनियर ही नहीं है तो बिटवीन में आने के चांसेस नहीं है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था, अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। क्या दिया गया देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई 15, डिस्टेंस ऑफ वाई जेड 7, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड 8। इसमें सबसे बड़ा कौन सा 15 है, यहाँ पे लिखोगे डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 15, बाकी अभी रिमेनिंग को प्लस करना है, तो डिस्टेंस ऑफ वाई जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड, यहाँ पे इसको प्लस कर दो तो वाई जेड कितना है 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा 15। अब यहाँ पे देखोगे क्रॉस चेक करो, ये दोनों सेम है, 15 15 दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पे लिखो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ वाई जेड प्लस डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड, ये इक्वल हो गया, सो दैट पॉइंट एक्स वाई एंड जेड आर कोलिनियर हो जाएगा। ये क्या बनेगा, कोलिनियर हो जाएगा। जब ये कोलिनियर रहेगा तो इसको हमको ऐसा करना पड़ेगा, तो सबसे बड़ा क्या है, एक्स वाई है, एक्स यहाँ पे वाई, उसके बाद देखो वाई जेड 7 है, तो वाई कहाँ पे है, वाई जेड इसको कर दो यहाँ पे 7,
और एक्स जेड एट है, तो एक्स जेड यहाँ पे एट हो जाएगा। मीन्स जेड क्या है, बिटवीन में है। यहाँ पे लिखोगे सो दैट पॉइंट जेड लाइज बिटवीन पॉइंट एक्स एंड पॉइंट वाई। तो ये हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स जेड वाई और वाई जेड एक्स। देखो एक्स जेड वाई एंड वाई जेड एक्स। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था, अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। क्या दिया गया देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन में, डिस्टेंस ऑफ डी फाइव, डिस्टेंस ऑफ ई एफ एट एंड डिस्टेंस ऑफ डी एफ सिक्स। डिस्टेंस ऑफ ई एफ ग्रेटर है तो इसको ऐसे लिख लो, डिस्टेंस ऑफ ई एफ इक्वल टू एट। देन उसके बाद में और रिमेनिंग टू कौन सा है, डिस्टेंस ऑफ डी ई प्लस डिस्टेंस ऑफ डी एफ। तो डी ई की वैल्यू कितनी है, डी ई है फाइव प्लस डी एफ है सिक्स, ये इसका टोटल हो गया इलेवन। अब देखो इलेवन एंड एट इक्वल है ये? नहीं है। सो दैट इसको हम लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ ई एफ इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ डी ई प्लस डिस्टेंस ऑफ डी एफ। इसमें कौन कौन सा पॉइंट है, डी ई एफ है, सो दैट पॉइंट्स डी ई एंड एफ आर नॉट कोलिनियर, नॉट कोलिनियर। जब ये नॉट कोलिनियर है तो ये बिटवीन में आने का कोई चांस नहीं है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था, अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। क्या दिया गया देखिए फोर्थ क्वेश्चन में, ऑन द नंबर लाइन पॉइंट ए बी सी आर सच दैट डिस्टेंस ए सी 10, डिस्टेंस सी बी 8, फाइंड डिस्टेंस ए बी कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज। ये पॉइंट को ध्यान देना, कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ पे देखो कैसी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बनेगी। सबसे पहले क्या दिया गया, ऑन अ नंबर लाइन, तो हम लोग एक एक करके करते हैं। सपोज ये एक नंबर लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया गया, डिस्टेंस ऑफ ए सी, डिस्टेंस ऑफ ए सी, इसको ए सी सपोज कर लेते हैं। ए सी कितना दिया गया, 10 दिया गया है, एंड डिस्टेंस ऑफ सी बी कितना दिया गया है, 8 दिया गया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो तो हमको फाइंड क्या करना है, ए बी फाइंड करना, मीन्स ए बी फाइंड करना। यहाँ पे देखो ये नहीं बोला गया है कि यहाँ पे सी बीच में रहेगा या बी बीच में रहेगा या ए बीच में रहेगा, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। तो ये क्या होगा, ये पॉसिबिलिटीज वन हो, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्लिक कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे देख ध्यान दोगे तो डिस्टेंस ऑफ ए बी हमको फाइंड करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्टेंस ऑफ ए बी, ए बी फाइंड करना है। तो ए बी जैसे ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ए बी है, ए बी के अंदर क्या क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए सी प्लस डिस्टेंस ऑफ सी बी है, या बी सी बोल सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान दोगे तो ए सी कितना है, 10 प्लस 8, ये हो गया हमारा 18। मीन्स डिस्टेंस ऑफ ए बी आया हमारा 18। अब उसके बाद में सेकेंड पॉसिबिलिटीज के लिए निकालते देते हैं, पॉसिबिलिटी टू। सेकेंड पॉसिबिलिटी में क्या आ सकता है, ध्यान देना। तो हम एक लंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, इसमें लिखा गया है ए सी 10 है, ए सी 10 है। अगर हम यहाँ पे सी सपोज करते हैं तो ए सी हमारा कितना है, 10 है। अब सी बी हमको 8 दिया गया है, तो सी से अगर बी हम यहाँ पे लिख लें तो ए सी कितना है, 10 है, तो सी बी कितना है, 8 है। तो भी तो हम ए बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ए सी ये पूरा 10 है और बी सी कितना है, 8 है, तो ये कितना आ जाएगा, ए बी कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ए सी माइनस बी सी कर सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ बी सी को माइनस कर दो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ए सी हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 2। इसका मतलब इसका आंसर दो पॉसिबिलिटीज में आ सकती है, क्योंकि हमको यहाँ पे ये क्लियरली नहीं बोला गया कि कौन सा पॉइंट
बिटवीन में रहेगा, तो अगर हम इस तरीके से बिटवीन में करते तो हमको ये माइनस करना पड़ेगा, बस बात खत्म। तो हम लोग यहाँ पे आंसर में लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी इक्वल टू 18 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था, अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में पॉइंट एक्स वाई जेड आर कोलिनियर सच दैट, मीन्स पॉइंट जो है एक्स वाई जेड जो है ये कोलिनियर है, तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स वाई एंड जेड। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई कितना है 17 है, और यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ वाई जेड कितना है 8 है, देन हमको एक्स जेड फाइंड करना, मतलब ये फाइंड करना। लेकिन यहाँ पे देखो कोलिनियर तो बता दिया गया है, तो जैसे अभी हमने फोर्थ में किया, इसका सेंटर पॉइंट कोई बताया है क्या, बिटवीन में कौन सा पॉइंट है वो तो नहीं बताया है, तो इसको भी हम लोग 2 टाइम करेंगे, 1 टाइम में इस तरीके से करेंगे। देखो ये पॉसिबिलिटीज 1 बन रही है, तो हमको क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड फाइंड करना है। तो अगर देखोगे एक्स जेड में से ये क्या फाइंड करोगे, यहाँ पे एक्स वाई प्लस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड, ये दोनों को प्लस कर दोगे तो एक्स जेड निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 17 + 8 = ये आ गया 25। ये 1 पॉसिबिलिटीज हुई। अब सेकंड पॉसिबिलिटीज के लिए कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया एक्स वाई 17, तो हम लोग एक्स यहाँ पे लिख लेते हैं, वाई यहाँ पे लिख लेते हैं, उसके बाद क्या बोला गया वाई जेड 8, वाई जेड कितना है 8 है, मीन्स जेड हम यहाँ पे सेंटर में जेड कर लेते हैं, तो वाई जेड 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा एक्स वाई 17 हो जाएगा, मीन्स एक्स से लेकर के वाई तक का डिस्टेंस 17 है और जेड वाई जो है या वाई जेड है 8 दिया गया, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड निकालना है। ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे, डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई माइनस डिस्टेंस ऑफ वाई जेड करोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा 17 - 8, 17 - 8 कितना होता है 9, यहाँ पे लिखोगे डिस्टेंस ऑफ एक्स जेड इक्वल टू 24 और 9। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। सो दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं, क्या दिया गया देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन में, स्केच प्रॉपर फिगर एंड राइट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो अब देखो यहाँ पे ए बी सी ये क्या दिया गया, कोलिनियर दिया गया है, ए इसको बना लो पहले, ए बी एंड सी, उसके बाद ए सी 11 दिया गया, ए सी देखो ए सी यहां से लेकर के यहां तक का कितना दिया गया 11 दिया गया, बी सी 6.5 दिया गया, हमको लेंथ ऑफ ए बी फाइंड करनी है, तो यहाँ पे लिखते हैं हमको पहले जो जो चीज दिया गया वो लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ ए सी दिया गया है 11, लेंथ ऑफ बी सी दिया गया है 6.5, लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखोगे ए बी निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, ए सी माइनस बी सी कर सकते हैं, तो लेंथ ऑफ ए सी माइनस लेंथ ऑफ बी सी कर सकते हैं, तो ए सी कितना दिया गया 11 - 6.5, इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 4.5। सो दैट यहाँ पे आंसर में लिख लोगे लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू 4.5। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था, अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे भी वैसे दिया गया है, आर एस टी दिया गया है, यहाँ पे पहले लिख लो आर एस टी, एस टी दिया गया 3.7, एस टी दिया गया 3.7, आर एस दिया गया 2.5, और हमको आर टी फाइंड करना। देखो यहाँ पे आर यहाँ पे है, टी यहाँ पे है, इसका मतलब आर एस प्लस एस टी करना पड़ेगा, मीन्स इसमें प्लस करना पड़ेगा, तो क्या क्या दिया गया वो लिख लो, लेंथ ऑफ एस टी दिया गया 3.7, लेंथ ऑफ आर एस दिया गया है 2.5, लेंथ ऑफ आर टी फाइंड करनी है, तो इसमें कौन कौन सा आएगा, लेंथ ऑफ एस टी प्लस लेंथ ऑफ आर एस, तो एस टी कितना है 3.7 + 2.5, अब ये दोनों को प्लस कर दोगे 3.25 = 16.2 आएगा इसका, सो दैट लेंथ ऑफ आर टी हो गया 6.2, ये आएगा हमारा आंसर।
सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना था, अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। इसमें भी ऐसा दिया गया इफ एक्स वाई जेड, यहाँ पे बना लो पहले, ये क्या बनेगा एक्स वाई एंड जेड, ये तीनों पॉइंट बन गई एक्स जेड 3√7। एक्स जेड इसका कितना दिया गया 3√7, उसके बाद एक्स वाई दिया गया √7 और वाई जेड की हमको वैल्यू फाइंड करनी है, वाई जेड ये फाइंड करना। यहाँ पे जो जो चीज दिया गया पहले वो लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ एक्स जेड इक्वल टू 3√7, लेंथ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू √7, लेंथ ऑफ वाई जेड हमको फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ एक्स जेड माइनस लेंथ ऑफ एक्स वाई बनेगा। देखो एक्स जेड में से एक्स वाई को माइनस कर दोगे तो वाई जेड बन जाएगा, तो यहाँ पे एक्स जेड कितना है 3√7 माइनस √7। ध्यान दोगे यहाँ पे 3√7 है, यहाँ पे 1√7 है, तो 3 में से 1 गया 2√7, सो दैट यहाँ पे हो जाएगा लेंथ ऑफ वाई जेड इक्वल टू 2√7, ये आएगा हमारा आंसर। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था, अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। क्या दिया गया देखिए सेवेंथ क्वेश्चन में, विच फिगर इज फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो हम लोग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट मीन्स एक लाइन में नहीं होनी चाहिए, कैसा भी बना सकते हो, इसमें कौन सी फिगर फॉर्म होगी। तो देखो अगर हम इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं, ऐसे अगर हम ज्वाइन कर देते तो क्या बन गया हमारा ट्रायंगल बन गया। यहाँ पे आंसर लिख लो ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, मीन्स क्या बनेगा इसमें 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट रहेगा तो ट्रायंगल हमारा फॉर्म होगा। सो दोस्तों आज हमारा यहाँ पे ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, ताकि हम इसमें और भी ज्यादा से ज्यादा सुधार लाने की कोशिश करें। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।